हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आपको चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो देखना है। वीडियो की देखने के बाद एक्यूरेसी आपको अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना है। उसके बाद अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पेपर ट्रेड करनी है। पेपर ट्रेड में इसकी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिली है। अगर एक्यूरेसी आपको अच्छी लगे तो इस पर रियल अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। हम आ गए ट्रेडिंग व्यू में। जिनको नहीं पता है, सिंपल एक ईमेल आईडी से क्रिएट करना है। हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे गाइस दो इंडिकेटर का सेटअप है, आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग का जो है यहाँ पे आपको सेटअप देखने के लिए मिला है। इसमें हम बात करेंगे बाय सेल की और डाउन साइड की पोजिशन आप किस प्रकार ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये दो इंडिकेटर हैं। दोनों इंडिकेटर मैं आपको समझाऊंगा और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इनकी सेटिंग क्या है वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, कॉल साइड की अब जब पोजिशन लोगे तो ग्रीन आपका इंडिकेटर होगा। ग्रीन इंडिकेटर के ऊपर आपकी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग ऊपर हुई है और यहाँ पे ये जो जीरो लाइन है, इस जीरो लाइन से ऊपर आपका ये हिस्टोग्राम होना चाहिए। इसकी जो ये है, ये ग्रीन होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन से स्काई में कन्वर्ट हो गया आसमानी कलर में। इसका कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो, ब्लैक भी। तो यहाँ पे देखिए, जब ये जीरो लाइन से ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल पोजीशन बनेगी। यहाँ पे ये जीरो लाइन से ऊपर गया, लेकिन आपको फिर वेट करना है किस चीज़ का, जब लो आपका ये सेकेंड इंडिकेटर ग्रीन ना हो और इसके ऊपर की क्लोजिंग ना हो। यहाँ पर क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। बाय यहाँ पर करोगे, एसएल आपका ये होगा और यहाँ से देखिए एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। इसमें जब तक बने रह सकते हो जब तक आपको डॉट देखने के लिए ना मिले ग्रीन कलर की। यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिली है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। चलिए चेक करते हैं कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए आपको देखने के मिले, आपको जो देखने के लिए मिले हैं 439 पॉइंट देखने के लिए मिले हैं। ऐसे हम बात करेंगे डाउन साइड की पोजिशन के लिए, तो यहाँ पे देख लिए आज की मार्केट है ये। तो डाउन साइड की बात करेंगे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। मार्केट ओपन होने के बाद भी अगर आप मार्क करोगे हाई और लो, आपकी कॉल पोजीशन बनी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको जीरो लाइन से ऊपर देखिए कुछ देखने के लिए दोनों जो इंडिकेटर वो नहीं मिले, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये फुल्ली साइड में मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए बैक टेस्ट के लिए और पीछे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी डाउन साइड की पोजिशन है। डाउन साइड की पोजिशन आप किस प्रकार लोगे, जब रेड इंडिकेटर होगा इसके नीचे आपकी कैंडल होगी। यहाँ पे देखिए कैंडल है और जीरो लाइन से नीचे आपके दोनों इंडिकेटर होगी। दोनों इंडिकेटर जीरो लाइन से नीचे है तो आपकी डाउन साइड की पोजीशन बनती है। यहाँ पे इस कैंडल पर आप डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो। और ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है क्योंकि जीरो लाइन आपको देखने के लिए मिले, यानी कि जीरो डॉट। यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। चेक कर लीजिए कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए 426 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, काफ़ी अमेजिंग है, 426 कम नहीं है। चलिए फिर से हम बात करेंगे कॉल साइड की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन आपका इंडिकेटर है, यहाँ पे जीरो लाइन से ऊपर गया हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ग्रीन है। आपकी जो कंफर्मेशन मिली है वो यहाँ पे मिली है और ये आपका एसएल हो गया। और ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे नीचे आ चुकी है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि दोनों इंडिकेटर आपके ऊपर होने चाहिए जीरो लाइन से, एक यहाँ पे ऊपर है एक यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ से आपका कन्फर्मेशन नहीं मिला है। कन्फर्मेशन आपको किस प्रकार मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है डाउन साइड के लिए। कंफर्मेशन के हिसाब से ही आपको ट्रेड प्लान करना है। ये देखें यहाँ पे कोई भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, ये फुल्ली साइड में मार्केट है। ये देख लीजिए, ये फुल्ली साइड में मार्केट है। यहाँ पे एक ही इंडिकेटर के रेंज में मार्केट ने मूव किया, लेकिन जो आपका सेकेंड इंडिकेटर है वो देखिए, यहाँ पे एक लाइन आपके ऊपर है और एक लाइन नीचे। आपको कन्फर्मेशन तभी लेना है जब जीरो लाइन से दोनों लाइन जो इंडिकेटर के ऊपर होगी, तो कॉल साइड की पोजीशन आप बनाओगे। डाउन साइड की पोजीशन आप जब बनाओगे जब दोनों इंडिकेटर की लाइन नीचे होगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों इंडिकेटर की लाइन ऊपर है, ग्रीन इंडिकेटर है, तो कंफर्मेशन आपको मिल चुका है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंफर्मेशन है, यहाँ पे आप बाय करेंगे, ये आपका एसएल हो गया। और ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो, यहाँ पे आप एग्जिट करिए। चलिए चेक कर लीजिए कितने पॉइंट मिले।
ये देखिए 232 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, काफ़ी अमेजिंग है, 232 कम नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए। यहाँ पे दोनों इंडिकेटर का नाम चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ और इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ। ड्राइंग को हम रिमूव करते हैं, इंडिकेटर को भी हम रिमूव करते हैं। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट लेना है। जरूरी नहीं आप बैंक निफ्टी का लोगे, किसी का भी ले सकते हो, निफ्टी 50, इंडिया वीक, सेंसेक्स, अपोलो। और यहाँ से जो आपका टाइम फ्रेम की बात करी जाएगी वो होगा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कैंडल की बात करी जाएगी तो आपको हाई कनेक्शन ही करनी है, नॉर्मल कैंडल करनी है। इंडिकेटर के सेक्शन में चलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बाय बाय, और आपको लिखना है सेल। बाय सेल जैसे आप सर्च करोगे तो ये आपको इंडिकेटर दिख रहा है, बाय सेल जॉन्स एलजी, ये इंडिकेटर होगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकेंड इंडिकेटर सर्च करना है एफ जी। जैसे ही आप एफ जी लिखोगे आपको ये इंडिकेटर दिख रहा है, एफ जी ड्राइविंग V450 15। इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से इसको अब आप कट करेंगे, यहाँ से हमने कट किया। अब जो है आप किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग में चलना है, इसकी सेटिंग में इनपुट में कुछ नहीं करना है, स्टाइल में आएंगे, इन्हें सबको आपको अनचेक करना है। ये जो इसकी मिडिल लाइन है आपको बस ये रखनी है, इसकी थिकनेस आप इंक्रीज कर दोगे, यहाँ से थिकनेस कर लेंगे, उसके बाद ये सब अनचेक करने हैं आपको। इसमें कुछ भी आपको नहीं रखना है, इसके सेप वैल्यू सब अनचेक कर देनी है, इसके लेवल भी और वॉल्यूम भी। ओके कर देंगे, फर्स्ट इंडिकेटर की आपकी सेटिंग हो चुकी है। सेकेंड इंडिकेटर की बारी है, इसकी सेटिंग में चलना है, इनपुट में आना। ये जो 2000 है इसे 100 में कन्वर्ट करेंगे। स्टाइल में आपको आना है, स्टाइल में आपको क्या करना है, जिसे जिसे मैं अनचेक करूँ आपको वही अनचेक करने हैं, और सब इसमें ऐसे ही रहेंगे। इनको अनचेक कर दीजिए, इनको भी अनचेक कर दीजिए, इनके सबको आपको अनचेक करने हैं। इसमें और कुछ भी आपको चेक नहीं रखना है। इसके जो प्लग बैकग्राउंड है आपको ये भी अनचेक करने हैं। इसमें से सिर्फ आपको क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लेवल वॉल्यूम आप रख दीजिए, इसमें इसके ये कलर रखना है, और बाकी जो ऊपर के इसका ये भी आप अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए सेटअप आपका लग चुका है, काफ़ी अमेजिंग सेटअप है। सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग लेकर आएंगे आपके लिए।